वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सभी? आप सभी को तहे दिल से जय बोले। और फ्रेंड्स, जो गुफा है हमारी नागों की, तो ये गुफा है, अद्भुत गुफा है। और यहाँ की आप अगर कलाकृतियाँ देखोगे ना फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे आओगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे आज भी जो हमारे नाग बाबा जी हैं, जो अद्भुत जैसे किसी भी रूप में जो आ जाते हैं, वो आज भी इस गुफा में बास करते हैं। और यहाँ पर सुबह जो है हमारे जो पंडित जी है, वो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ की आप कलाकृतियाँ आप देखोगे कि यहाँ पे ये सभी कलाकृतियाँ रखी हुई हैं, भोले बाबा जी के त्रिशूल। एंड आप जो ये देख रहे हो ना, ये वाले ऊपर वाले, ये सब कुछ ये खुद नहीं बना हुआ है, ये पहले से बनी हुई मिट्टी है ये, ठीक है। और यहाँ पे अंदर अंदर इस बार गुफा में वास करते हैं अपने नाग बाबा। तो ये जो टेम्पल है, ये हमारा हमीरपुर में है, बरोहा से एक अंदर को रास्ता जाता है। मैं आपको ब्लॉग में बता दूंगा रास्ता, और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिलेगा, तो आपने वहाँ पे जाके अपना वहाँ पे फॉलो जरूर करना आपने। और ये जो शिवलिंग है हमारे, जो गुफा के अंदर यानी शिवलिंग रखे हुए, और जो एक प्रकृति से जो ऐसे शिवलिंग बने हुए होते हैं, वो शिवलिंग के आपको मैं दर्शन करवाऊँगा। क्योंकि कई बंदे इस गुफा में आए भी हैं, कई बंदे नहीं आए हैं। तो जो बंदे यहाँ पर नहीं आए, जिनकी कोई मन्नत कबूल नहीं होती है, तो वो इस टेम्पल में ज़रूर आए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक शिवलिंग रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये शिवलिंग जो रखे हुए हैं, ये शिवलिंग पहले से ही है, आज से कई साल पहले के ये शिवलिंग है। और ये ऊपर वाली तरफ देख रहे हैं आप, शिराएं जैसी निकली हुई है यहाँ पे, ठीक है। और ये अंदर वाली तरफ आप देखोगे, यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे ये गुफा काफ़ी पुरानी है, और यहाँ पे दूर दूर से जो लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए इस गुफा में आते हैं। और आप भी अपनी फैमिली के साथ इस गुफा में ज़रूर आए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और कल का जो मेरा ब्लॉग्स था फ्रेंड्स, वो भी आपने देखा होगा। अगर वो नहीं देखा तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, तो आपने उसको भी ज़रूर देखना है, और उस वीडियो को भी आगे से आगे शेयर ज़रूर करना आपने। तो फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है, ये हमीरपुर में है, हमीरपुर बरोहा से अंदर को रास्ता आता है, तो वहाँ से आपने आना है, और इस मंदिर में आपने आना है, और यहाँ पे माथा आपने जरूर टेकना है। और दोस्तों, यहाँ पे नीचे आज जब आप आओगे, तो यहाँ पे कुंड भी बना हुआ है यहाँ पे, और सामने जो हनुमान जी की यहाँ पे तस्वीर भी लगी हुई है। और कुंड ये काफ़ी नीचे रखता है फ्रेंड्स, ये ऊपर से पानी आता है और यहाँ से निकलता भी है। और यहाँ पे जैसे कोई बंदा गिर जाए तो यहाँ से निकल नहीं सकता है, इतनी खतरनाक खाई है ये। और यहाँ पे जो हमारे हनुमान जी की यहाँ पे मूर्ति बनाई है इस जगह पे, ये भी जो है यहीं से निकली हुई थी ये पिंडी, तो ये जो हनुमान जी की पिंडी है, इनको यहीं पे स्थापित कर दिया गया था।